दोस्तों याद रहे YouTube हमारे इस वीडियो की नोटिफिकेशन 19 लाख सब्सक्राइबर्स में से सिर्फ 1000 लोगों को ही भेजेगा और थोड़ी देर में इस वीडियो को भी गायब कर देगा, क्योंकि उसे अश्लीलता से ज्यादा पैसे मिलते हैं न कि हमारे जैसे ज्ञानवर्धक वीडियो से। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम और वीडियोस लाते रहें तो कृपया इसे इतना शेयर करें कि YouTube के मुंह पे तमाचा लग सके। दोस्तों दुनिया में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें देखने में बहुत अजीब लगती हैं और ऐसा लगता है मानो वो कोई चमत्कार हो, लेकिन असल में वो ज्ञान होता है। साथ ही इस पृथ्वी पर कई बार ऐसी घटनाएं भी देखी जाती हैं जो अजीब तो होती हैं लेकिन आखिर में उनका कारण समझ लिया जाता है। दिन ब दिन पृथ्वी पर जिस तरीके से प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जा रही हैं और उनसे होने वाला नुकसान भी बढ़ रहा है, उससे ऐसा लगता है कि मानवीय इंसानियत का भविष्य बहुत कठिन होने वाला है। आइए इस वीडियो में हम आपको पृथ्वी पे हुई 5 अजीब प्राकृतिक घटनाओं के बारे में बताते हैं। नंबर 1, हेल स्टॉर्म। पृथ्वी पर किसी भी जगह ओले गिरना और उसके साथ बारिश होना बहुत आम बात है, और ऐसा ही कुछ 8 फरवरी 2018 को अर्जेंटीना के कोर्डोबा में रहने वाले लोगों को लग रहा था। लेकिन फिर अचानक से बारिश बहुत तेज हो गई और छोटे छोटे ओलों की साइज बढ़कर क्रिकेट बॉल के साइज के हो गए। ये देखकर लोग घबरा गए और अपने घरों के अंदर छुप गए। इन विशाल ओलों ने लोगों की गाड़ियों और घरों के शीशे तो दूर, गाड़ी की छतें और गाड़ी की बॉडी तक तोड़ दी थी। कई बार तो ये ऐसे देशों में भी देखा गया है जहां ओले तो दूर, पानी भी बहुत कम गिरता है। उदाहरण के लिए 24 फरवरी 2018 को सऊदी अरब के मदीना शहर में भी इसी तरह से विशाल ओले गिरे थे। मेक्सिको के ग्वादलाजरा शहर में भी गर्मी के मौसम के बीच इस तरह की ओलावृष्टि देखने को मिले थे। स्क्रीन पर आप इसे देख सकते हैं। इस दौरान वहां पर कितनी ज्यादा तबाही मच गई थी और किस प्रकार सड़कों पर जाम की स्थिति पैदा हो गई थी, ये आप देख पाएंगे। हालत ऐसी थी कि लोगों के घर और गाड़ियां तक इसके नीचे दब गई थी और इस बर्फ को हटाने के लिए सरकार को पुलिस की मदद लेनी पड़ी। नंबर 2, बर्ड प्रोकैलिप्स। दोस्तों ये अजीबोगरीब घटना अमेरिका के ऑस्टिन टेक्सास में हुई थी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि पहले पक्षियों के झुंड घरों की रेलिंग पर बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही रोड पर ट्रैफिक बढ़ा तो ये पक्षी हवा में उड़ने लगे और इन्होंने पूरे आसमान पर कब्जा कर लिया। फिर अगले ही पल ये पक्षी जाकर हाईवे पर बैठने लगे और इतनी ज्यादा संख्या में ये थे कि लोगों को अपनी गाड़ियों को हाईवे से हटाना पड़ा। सुनने में ये काफी अजीब और डरावना लग रहा है। इस घटना के 3 हफ्ते बाद ऐसा ही कुछ मेक्सिको में भी देखने को मिला। यहाँ पर पक्षियों का झुंड अचानक से अपना संतुलन खोने लगा और घरों की खिड़कियों और दरवाजों से टकराने लगा। कई पक्षी अपना संतुलन खोते हुए जमीन पे भी गिर गए। वैज्ञानिक आज भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इन दोनों ही घटनाओं में पक्षी इस तरह का अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि ये आसमानी बिजली गिरने के कारण हुआ था, तो कुछ कहते हैं कि उन्होंने कुछ जहरीला पदार्थ खाया था, लेकिन जांच में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। नंबर 3, आइस सुनामी। अगर आपका घर समुद्र के किनारे हो तो आपको हमेशा ही बेहद खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं, फिर चाहे वो गर्मियों की हरियाली हो या फिर ठंडियों की बर्फ। लेकिन क्या हो जब यही बर्फ पानी से निकलकर आपके घरों की ओर तेजी से बढ़ने लगे और आपके घरों को बर्बाद करने लगे। समुद्र से इस तरह निकलती हुई बर्फ को हम आइस सुनामी कहते हैं। ये जिस तरीके से होती है उससे हमें ये सुनामी कम और आइसबर्ग ज्यादा लगती है। जब तेज हवाओं और पानी के तेज बहाव के कारण बर्फ जमीन की तरफ आने लगती है तो ये इतनी ताकतवर हो जाती है कि अपने रास्ते में आने वाले पेड़ों और तमाम चीजों को तहस नहस कर सकती है। 2019 में अमेरिका के विनिबेगो लेक के किनारे भी इस तरह की घटना देखने को मिली थी, जिसे एक इंसान ने अपने कैमरे में कैद भी कर लिया था। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि बर्फ के इस तरीके से आने के कारण रोड पर जाम तक लग चुकी थी। ऐसी ही घटना कनाडा के ओंटेरियो शहर के फोर्ट एरी में भी देखने को मिली थी। इसके प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो कई जगह पे यह आइस सुनामी 40 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गई थी। ये इतनी ताकतवर थी कि इसने रास्ते में लगे पेड़ों और स्ट्रीट लाइट्स तक को जमीन से उखाड़ फेंका था। ऐसा ही कुछ हैमवर्क के हूवर बीच के किनारे भी देखने को मिला था। यहाँ पर बर्फ 30 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गई थी। जैक शुल्ज नामक एक लोकल व्यक्ति ने बताया कि उसने ऐसा अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। आइस सुनामी की आवाज ऐसी लगती है मानो कोई तेज चलती हुई ट्रेन अचानक से किसी चीज से टकरा गई हो। नंबर 4, जायंट क्रैक। इस पृथ्वी पर दिन ब दिन कई बदलाव देखे जा रहे हैं और ये बदलाव इतनी तेजी से हो रहे हैं कि अब वैज्ञानिक भी चिंतित हैं कि हम इंसानों का इस ग्रह पे क्या भविष्य होने वाला है। दुनिया भर से जमीन पर विशाल क्रैक्स आने की खबरें आती रहती हैं। कभी कभी कहीं पर विशाल गड्ढे और सिंकहोल मिलने की भी खबरें आती हैं। तो क्या पृथ्वी के महाद्वीप एक बार फिर से विभाजित हो रहे हैं? एक ऐसा ही विशाल क्रैक अफ्रीका के इथियोपिया में देखा गया है जो बिना किसी भूकंप के ही अचानक से जमीन पे आ गया। इथियोपिया का क्रैक दुनिया का एकमात्र क्रैक नहीं है, बल्कि हाल ही में पेरू की टिटिकाका लेक के पास भी 100 मीटर से ज्यादा चौड़ा क्रैक देखा गया था। ये 15 किलोमीटर में फैला हुआ था। आइसलैंड में तो एक पूरा लेक ही एक विशाल क्रैक के अंदर गायब होता जा रहा है। अमेरिका के टेक्सास में तो एक 50 फीट गहरा क्रैक देखा गया है जिसने एक पूरे तालाब को अपने अंदर समा लिया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये असल में पृथ्वी की सतह पर ज्वाइंट्स थे
जो समय के साथ कमजोर पड़ते जा रहे हैं और अपनी पकड़ खोते जा रहे हैं। पृथ्वी की सतह का इस तरीके से दूर दूर होना इस बात की ओर संकेत करता है कि पृथ्वी के अंदर कोई ना कोई ऐसी क्रियाएं हो रही हैं जिससे हम अनजान हैं। अमेरिका के मिशिगन में अक्टूबर 2010 को एक 600 फीट लंबा और 5 फीट गहरा क्रैक देखा गया था। यह समय के साथ और भी ज्यादा फैलता जा रहा है। इसके आसपास रहने वाले लोग दावा करते हैं कि इसमें से काफी ज्यादा हीट निकलती है जो इसके आसपास 15 फीट तक मौजूद पेड़ों को जला सकती है। इसके अलावा यहाँ से गुजरने वाले लोग इसमें से निकलती तेज आवाज सुनने का दावा भी करते हैं। नंबर 5, मिस्टीरियस क्रेटर्स। 2014 में साइबेरिया के कई भागों में जमीन पर विशाल होल्स देखी जाने लगी। यहाँ की यामल पेनिनसुला में एक जायंट क्रेटर देखने को मिला जो 100 फीट चौड़ा था। इस क्रेटर ने तुरंत दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा और लोग अनुमान लगाने लगे कि आखिरकार ये कैसे बना होगा। उसी साल इस इलाके में ऐसे दर्जनों रहस्यमयी होल देखने को मिले। वैज्ञानिक ये साफ देख सकते थे कि ये छेद किसी उल्का पिंड से टकराने के कारण नहीं बने थे, लेकिन उनके पास इनका कोई ठोस विवरण भी नहीं था। अनुमान लगाया गया कि यह परमाफ्रॉस्ट एक्सप्लोजन के कारण हुआ है। परमाफ्रॉस्ट एक्सप्लोजन का मतलब होता है ठंडे इलाकों में जमीन की ऊपरी सतह की मिट्टी में एक्सप्लोजन हो जाना। हो सकता है कि यह जमीन के नीचे मीथेन गैस के भंडारों में हुए एक्सप्लोजन के कारण हुआ हो, लेकिन वैज्ञानिक अभी इस बात पे भी एकमत नहीं है कि ऐसा कुछ एक्सप्लोजन के कारण हो सकता है। लेकिन मीथेन गैस के भंडारों में एक्सप्लोजन की बात भी कोई नई नहीं है। रशिया के अखबार साइबेरिया टाइम्स की माने तो पिछले कुछ सालों में साइबेरिया के इलाकों में 7000 से भी ज्यादा इस तरीके के एक्सप्लोजन्स हो चुके हैं, लेकिन उनके कारण ऐसे रहस्यमय होल्स नहीं बने थे। इन घटनाओं में भी परमाफ्रॉस्ट एक्सप्लोजन्स ही हुए थे, लेकिन इससे पहले इस तरीके के रहस्यमयी होल्स को नहीं देखा गया था। लोकल लोगों की माने तो उन्होंने इन होल्स से चमकदार रोशनी निकलती हुई देखी है, जो इस दावे को और मजबूत करता है कि ये जमीन के अंदर किसी गैस के रिसाव के कारण होता है। लेकिन इसका असल और सटीक कारण क्या है, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थी पृथ्वी पर हुई 5 अजीबोगरीब प्राकृतिक घटनाएं। आपको इनमें से कौन सी घटना सबसे ज्यादा अजीब और अनोखी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।